भारत की बहू बनने के लिए तैयार पाकिस्तानी हसीना, 11 साल बड़े और तलाकशुदा रैपर बादशाह के साथ घर बसाएंगी डिंपल गर्ल हानिया। 27 साल की पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने किया अपनी वेडिंग प्लान का खुलासा, फैंस को खुद बताया कि आखिर कब हानिया बनेंगी दुल्हनिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, देर से ही सही, लेकिन हानिया आमिर ने अपनी शादी के सस्पेंस को खत्म कर दिया है और उस सवाल का जवाब दे दिया है कि शादी को लेकर उनका क्या इरादा है और आखिर वो कब शादी करने वाली हैं। यूं तो पड़ोसी मुल्क की मशहूर एक्ट्रेस हानिया आमिर के जितने चाहने वाले पाकिस्तान में हैं, उतने ही फैंस उनके भारत में भी हैं। इंडियन फैंस तो उन्हें पाकिस्तान की आलिया भट्ट कहते हैं। हालांकि जब से हानिया का नाम बॉलीवुड के फेमस सिंगर और रैपर बादशाह के साथ जुड़ा है, तब से तो बॉलीवुड गॉसिप्स के गलियारों में हानिया और बादशाह की लव स्टोरी के ही चर्चे हैं। बादशाह और हानिया की नजदीकियों की गवाही उनकी ये वायरल तस्वीरें भी देती हैं। बीते साल दिसंबर से ही ऐसी चर्चा है कि तलाकशुदा सिंगर और रैपर बादशाह खुद से 11 साल छोटी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को डेट कर रहे हैं। माना जा रहा है कि दोनों के बीच सीरियस अफेयर चल रहा है। अब जब से हानिया आमिर और बादशाह की डेटिंग की खबरें सुर्खियों में छाई हैं, तभी से फैंस उनसे इन खबरों का सच जानने के लिए बेकरार हैं। साथ ही फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि बादशाह के साथ डेटिंग की खबरों को लेकर चर्चा में छाई हानिया शादी कब करेंगी। तो अब फाइनली हानिया ने शादी के सवाल पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपने वेडिंग प्लान का खुलासा किया है। दरअसल हाल ही में हुए पाकिस्तान में एक फैन मीट के दौरान एक फैन ने हानिया से उनकी शादी को लेकर सवाल पूछा था, जिसके बाद एक्ट्रेस ने इस मोस्ट वांटेड सवाल का जवाब दिया। फैन के सवाल को सुनकर हानिया ने साफ कहा कि फिलहाल उनका शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अगर उनका शादी करने का प्लान होगा तो वो डंकी की चोट पर इस बारे में लोगों को बताएंगी। वो इस खबर को दुनिया से कभी नहीं छिपाएंगी। यानी साफ है कि फिलहाल हानिया आमिर का हिंदुस्तान की बहू बनने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि बादशाह के साथ हानिया का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। बीते महीने लंदन में दिलजीत दोसांझ का म्यूजिक कॉन्सर्ट भी हानिया और बादशाह ने एक साथ एंजॉय किया था। जब दिलजीत के गानों की फैन हानिया लंदन में उनका कॉन्सर्ट एंजॉय करने पहुंची थी, तब बादशाह भी इस कॉन्सर्ट में मौजूद रहे थे। सिंगर ने तो दिलजीत के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस भी दी थी। इससे पहले एक इंटरव्यू में हानिया ने बादशाह के साथ अपनी दोस्ती के बारे में भी बात की थी। तब हानिया ने कहा था कि बादशाह और मैं इंस्टाग्राम की डीएम के जरिए दोस्त बने थे। हमारे आपसी प्यार की वजह से हमने अपनी दोस्ती को जितना ईमानदारी से निभा सकते थे बनाए रखा है। हम कई लेवल पर एक जैसे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो किस कदर जमीन से जुड़े और सच्चे इंसान हैं। हानिया की इन बातों को सुन कई लोगों का कहना था कि हानिया इस बात को इतना क्यों घुमा रही हैं? उन्हें कबूल भी करना है और छुपाना भी है, और इतना सस्पेंस क्यों बनाना है। बता दें कि बीते साल 1 दिसंबर 2023 को हानिया ने बादशाह के साथ अपनी कुछ फोटोज शेयर की थी, जिसके बाद से ही फैंस ने डेटिंग के कयास लगाने शुरू कर दिए थे। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इन तस्वीरों को देख सोशल मीडिया में तहलका मच गया था। इसके बाद इसी साल हानिया ने बादशाह के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की थी, जिसमें दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते दिखे थे। इसके बाद तो फैंस ने दोनों के रिश्ते को कंफर्म मान लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।